Hello student, in this video class 10 we again discuss questions related to reducible form, that is 7x minus 2y upon xy equals to 5, 8x plus 7y upon xy equals to 15. Now इस टाइप की क्वेश्चन में आपको दे रखा है xy होल डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी xy होल डिवाइड हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, एक बार तो 7x को xy से डिवाइड कर देंगे और एक बार माइनस 2y को भी xy से क्या कर देंगे, डिवाइड, मीन्स को सेपरेट कर देंगे अलग अलग. तो ऐसे लिखा 7x upon xy माइनस का 2y upon xy equal to 5. ऐसे सेकंड पार्ट में भी कर लेंगे, 8x डिवाइड बाय xy प्लस 7y डिवाइड बाय xy इक्वल टू 15. ऐसा करने से क्या हो गया, देखिए x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो बचा 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन y इक्वल टू 5. यहाँ पर भी x से x कैंसिल हो गया तो बचा 8 अपॉन y एंड y से y कैंसिल हो गया तो बचा 7 अपॉन x इक्वल टू 15. अब आप देखिए अगेन x और y डिनोमिनेटर में आ रहे, तो रिड्यूसिबल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगेन रिड्यूस करना पड़ेगा इस इक्वेशन को. तो क्या मान लिया आपने, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 अपॉन y को a मान लिया, और सेकंड जो x आ रहा है तो 1 अपॉन x को क्या मान लिया, b. तो 1 अपॉन y की जगह a लिखेंगे, 1 अपॉन x की जगह b लिखेंगे. नाउ 1 अपॉन y की जगह a लिखा तो ये हो गया 7a माइनस का 1 अपॉन x की जगह b लिखा तो ये हो गया 2b माइनस का 2b इक्वल टू 5. तो 7a माइनस 2b इक्वल टू 5. सिमिलरली इसको भी लिख लेंगे, 8a प्लस 7b इक्वल टू 15. इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है. अब पहले तो देखिए x और y डिनोमिनेटर में आ रहा था, अब a और b में कन्वर्ट हो गया, जो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया आपने. नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेंगे, सबसे इजी मेथड एलिमिनेशन होता है, कोफिशिएंट सेम साइन चेंज. नाउ कोफिशिएंट सेम किसकी करूंगा मैं b वाले कोफिशिएंट के सेम करूंगा, कोफिशिएंट b वाले वेरिएबल की कोफिशिएंट सेम करूंगा. मतलब पहली वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 7 मल्टीप्लाई 7 49, 7 इंटू 2 दैट इज 14b, 7 इंटू 5 दैट इज 35, एंड सेकंड वाली को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 इंटू 2 16, 9 2 इंटू 7 दैट इज 14b एंड 2 इंटू 15 दैट इज 30. यहाँ पे प्लेस कर दिया है. अब देखेंगे आप कोफिशिएंट सेम लेकिन साइन भी अपोजिट आ गए, तो अब सबट्रैक करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे. तो माइनस का 14b प्लस का 14b कैंसिल आउट, जीरो आ गया, इनको ऐड करने पे आ गया 65 है, इनको ऐड करने पे आ गया 65. ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 65 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर के डिवाइड हो जाएगा, तो 65 अपॉन 65 दैट इज कैंसिल आउट हो गया वन टाइम, तो ए की वैल्यू निकल गई 1. ए की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं. अभी मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी ए की वैल्यू 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में जहां ए आ रहा है वहां 1 पुट कर देंगे. 7 इंटू 1 हो गया 7, तो 7 माइनस 2b इक्वल टू 5, 7 को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो दैट इज 5 माइनस 7, तो माइनस 2b इक्वल टू 5 माइनस 7 दैट इज माइनस 2b इक्वल टू माइनस 2. देन b की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल प्लस b की वैल्यू आएगी 1. इस b की वैल्यू 1 को आप कहां पुट कर देंगे और a की वैल्यू 1 को भी कहां पुट कर देंगे, जो अपन ने x और y की वैल्यू माना था, जहां पर ये माना था आपने, मींस 1 अपॉन y की जगह a होता है, तो यहां पे लिखा आपने 1 अपॉन y इक्वल टू a और a की जगह 1 पुट कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो y की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि 1 अपॉन y था और आपको y चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर दिया y इक्वल टू 1. ऐसे 1 अपॉन x इक्वल टू b है, b की जगह वैल्यू पुट कर दिया आपने 1 जो पहले निकाल चुके हैं आप. अब अगेन 1 अपॉन x आ रहा है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो x इक्वल टू आएगा 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल ऑलवेज 1 ही होता है, इसलिए x की वैल्यू भी 1 आई और y की वैल्यू भी क्या आ गई 1. होप यू अंडरस्टैंड दिस रिड्यूसिबल मेथड. थैंक यू.